खबर बगहा से है, जहां नगर में दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर एक मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना पटखौली ओपी क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ला की है। नगर के नारायणपुर मोहल्ला में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी है। मृतक महिला की पहचान शोभा तिवारी के रूप में हुई है, जो अपनी शादीशुदा बेटी के साथ अपने खुद के मकान में रहती थी। हत्या की जानकारी तब हुई जब लोगों ने बुधवार की सुबह कमरे से बाहर निकल रहे खून को देखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और जितने लोग उतनी तरह की बातें होने लगी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने मां बेटी की हत्या करने के बाद कमरे को बाहर से बंद कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक महिला का विवादों से गहरा नाता रहा है और महिला कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा चुकी थी। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस महिला से जुड़े विवादों के आसपास तफ्तीश कर रही है। SDOP कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के आने तक कमरे को बंद किया गया है। R9 भारत के लिए बगहा से रवीश मिश्र की रिपोर्ट। भावित लग रहा है, अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के द्वारा जो बताया गया उसके आधार पे और देख के यही लग रहा है कि दो मर्डर की संभावना है। यहाँ अभी SSL की टीम और अन्य जो आएंगे वो लोग आके और छानबीन करेंगे। क्या लगता है सब, देखने में कुछ तेजाब वजाब फेंक कर जलाने का मामला सामने आ रहा है? तेजाब जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, चूँकि ऊपर धुआं हुआ है तो जलाने का ही प्रतीत हो रहा है। SSL की टीम आएगी तो इस पर विस्तृत रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगी तो स्पष्ट पता चलेगा। थैंक यू।